बॉलीवुड में चांदनी के नाम से मशहूर हुई श्रीदेवी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी असीम खूबसूरती और दमदार अदाकारी ने आज भी उन्हें अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखा है। आज यानी 13 अगस्त का दिन श्रीदेवी के नाम है। अगर आज श्रीदेवी हमारे बीच मौजूद होती तो वो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में उन ऊंचाइयों को हासिल किया था जहां तक पहुंचना किसी बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन श्रीदेवी की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में बनी रही, या यूं कहें कि विवादों का हिसाब बनी रही। जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे शादीशुदा कोस्टार के साथ श्रीदेवी का नाम जुड़ा, और जब उन्होंने शादी कर घर बसाने का फैसला लिया तब भी अपने हमसफर के तौर पर चुना दो बच्चों के पिता बोनी कपूर को, जिन्हें वो खुद राखी बांधकर अपना राखी भाई बना चुकी थी। जितेंद्र और श्रीदेवी ने फिल्म हिम्मतवाला में साथ काम किया था। हिम्मतवाला में श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई, जिसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां भी काफी बढ़ गई थी। दोनों के रोमांस के चर्चे भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब हुए थे। हालांकि जितेंद्र की गृहस्थी में आग लगते देख श्रीदेवी ने अफेयर की खबरों को झुठलाया था और सफाई देते हुए कहा था कि मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रखे। मिथुन चक्रवर्ती। जितेंद्र से अलग होने के बाद श्रीदेवी का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जुड़ा। यहाँ तक कि श्रीदेवी को मिथुन चक्रवर्ती की तीसरी बीवी भी कहा जाता है। भले ही मिथुन और श्रीदेवी अपनी शादी की बात को नकारते रहे हों, लेकिन इनकी शादी की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों का प्यार जाग उठा इंसान की आउटडोर शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा था। कहा जाता है कि श्रीदेवी के प्यार में मिथुन इस कदर दीवाने हुए थे कि उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद भी श्रीदेवी संग अपने मर्द आइलैंड के कॉटेज में गुपचुप शादी कर ली थी। इस इश्क की खुमारी तब उतरी थी जब अपने पति को लाइन पर लाने के लिए योगिता बाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तब जाकर अपने टूटते घर को बचाने के लिए मिथुन ने श्रीदेवी से अपनी राहें जुदा की थी। विजय अमृतराज। दिग्गज स्टार टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज के साथ भी श्रीदेवी के अफेयर की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। कहा जाता है कि दोनों ने कुछ समय डेटिंग करने के बाद शादी करने का मन भी बना लिया था। हालांकि एंड वक्त में श्रीदेवी इस रिश्ते से पीछे हट गई थी और विजय अमृतराज के साथ अपने रिश्ते को तोड़ लिया था। अरविंद स्वामी। रोजा फेम अरविंद स्वामी के साथ भी श्रीदेवी का नाम जोड़ा गया था। हालांकि श्रीदेवी अरविंद से 7 साल बड़ी थी, जिसकी वजह से श्रीदेवी ने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था। जल्द ही दोनों के अलग होने की खबर भी सामने आ गई थी। बोनी कपूर। दो बच्चों के पिता बोनी कपूर से शादी कर श्रीदेवी को होम ब्रेकर का टैग मिला था। एक वक्त था जब मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी को राखी तक बांध दी थी। बाद में श्रीदेवी ने उन्हीं से शादी कर ली। श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। श्रीदेवी संग बोनी के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से मोना कपूर का घर बर्बाद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।